डिग्री ऑफ फ्रीडम, किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्शन में मोशन के लिए फ्री है, वही उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है। एनी गैसियस मॉलिक्यूल विच कैन मूव इंडिपेंडेंटली इन हाउ मेनी डायरेक्शन फ्रीली इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज रिप्रेजेंटेड बाय वाई। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि मोशन जो है, हम मोशन को यहाँ दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। एक को बोल रहे हैं फ्री मोशन और एक को बोल रहे हैं नॉन फ्री मोशन। फ्री मोशन वो मोशन होता है जिसको हम लोग रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, दोज मोशन विच कैनॉट बी रिजॉल्व। जैसे अगर कोई भी म्यूचुअल परपेंडिकुलर पे फेनोमिना हो रहा है, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है। जैसे मान लें यहाँ पे दो एक्सिस है, एक्स और वाई, और ये एक दूसरे से म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं तो उसको हम वाई पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और अगर वो वाई पे मूव कर रहा है तो एक्स पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, या अगर वो जेड पे मूव कर रहा है तो हम ना तो उसको एक्स पे एक्सप्लेन कर सकते हैं और ना ही तो वाई पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ऐसे जो मोशन होता है वो फ्री मोशन होता है, इंडिपेंडेंट मोशन होता है। बोथ एक्स एंड वाई आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर एंड कैन नॉट बी रिजॉल्व। और ऐसे जो मोशन होते हैं वो होते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन एंड वाइब्रेशनल मोशन। नॉन फ्री मोशन की बात बोलते हैं कि दोज मोशन विच कैन बी रिजॉल्व। जैसे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल्स थीटा एंगल के साथ मोशन में है, मूवमेंट कर रही है, तो हम उसको यहाँ एक्स के अलोंग भी रिजॉल्व कर सकते हैं और वाई के अलोंग भी रिजॉल्व कर सकते हैं। यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोल सकते हैं कि इनके पास जो मोशन है वो फ्री मोशन नहीं है। हियर मोशंस ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन रिजॉल्व अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इसलिए ऐसे मोशंस को हम लोग यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। यानी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो मोशन होना चाहिए वो इंडिपेंडेंट मोशन होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल, यहाँ पे हम लोग तीन पढ़ेंगे, मोनोएटॉमिक गैस, डायटोमिक गैस, ट्राइटोमिक या पॉलीएटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक गैस का एग्जाम्पल है नोबेल गैस, जैसे हीलियम, नियन एंड आर्गन। उसी तरह डायटोमिक गैस के जो एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, O2, N2 एंड एयर। यहाँ पे एक चीज याद रखने की बात है कि अगर क्वेश्चंस में सिर्फ ये मेंशन किया है कि केवल डायटोमिक गैस है, लेकिन ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि वो हाइड्रोजन है, हीलियम, ये ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है, तो ऐसे केस में हम उसको एयर समझ सकते हैं। ट्राइटोमिक गैस में O3, CO2 और CH4 पॉलीएटॉमिक गैस। अब हम बात करते हैं कि मोनोएटॉमिक गैस में हम कैसे समझें इस डिग्री ऑफ फ्रीडम को। ये हमारा एक मोनोएटॉमिक गैस है और ये एक्स के लॉन्ग में मूव कर रहा है, वाई के लॉन्ग में मूव कर रहा है और जेड के लॉन्ग में मूव कर रहा है। ये लीनियर मोशन है, तो यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके पास क्या है, थ्री है, और थ्री वो क्या है, ट्रांजिशनल मोशन है। यहाँ पे रोटेशनल मोशन एंड वाइब्रेशनल मोशन को हम लोग इनसिग्निफिकेंट मानते हैं। अगर मान लेते हैं कि कोई हमारे पास गैस है मोनोटोमिक और थीटा एंगल के साथ मोशन ले रहा है, तो इसको हम एक्स के लॉन्ग भी रिजॉल्व कर सकते हैं, वाई के लॉन्ग भी रिजॉल्व कर सकते हैं, तो ऐसे मोशन को हम लोग यहाँ पर कंसीडर नहीं करते। डायटोमिक गैस में हम लोग समझ रहे हैं कि कोई हमारे पास डायटोमिक गैस है तो एक्स के लॉन्ग मोशन कर रहा है, वाई के लॉन्ग और जेड के लॉन्ग मोशन कर रहा है, लेकिन जो रोटेशनल मोशन है वो जेड और वाई की तरफ ही सिग्निफिकेंट है। यानी रोटेशनल मोशंस आर इनसिग्निफिकेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस। तो एट रूम टेम्परेचर इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3 ट्रांजिशनल, 2 रोटेशनल, यानी टोटल 5। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, इतना इंक्रीज करें कि अभी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करें, तो वैसे केस में इसके पास एक वाइब्रेशनल मोशन भी आ जाता है, तो 3 ट्रांजिशनल, 2 रोटेशनल एंड 1 वाइब्रेशनल, और या 6। लेकिन अब केस ये आ रहा है कि अगर हम टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा हाई कर दें, इतना हाई कर दें कि इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाए, तो नाउ डायटोमिक will be monoatomic gas, और इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 3 हो जाएगा, वो भी ट्रांजिशनल। ट्राइटोमिक के केस में हम लोग दो तरीके का केस ले सकते हैं, एक तो इस तरीके का जो नॉन लीनियर होगा और एक ऐसा ले सकते हैं जो लीनियर मॉलिक्यूल्स होगा। नॉन लीनियर के लिए 3t plus 2r plus 1b equals to 6 होता है, ट्रांजिशनल 3 होगा, रोटेशनल 2 होगा, 1 वाइब्रेशनल 6 होगा। लेकिन लीनियर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 होता है।
इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है f इक्वल टू 3n माइनस बी, जहां f इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम, n इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल्स एंड b इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड इन मॉलिक्यूल्स। इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि हम इस फॉर्मूले को यूज करके किस तरीके से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो लेट्स सी, अब हम बात करते हैं, हमारे पास ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला से हम कैसे कैलकुलेट करें। तो डायटोमिक के लिए अगर इस फॉर्मूला को लगाया हमने तो 3n माइनस बी, नंबर ऑफ एटम 1 है और मोनोटोमिक गैस है तो बॉन्ड 0 है, तो इक्वल्स टू 3 होगा। जबकि डायटोमिक के लिए लगाया तो हमने 3n माइनस बी, 3 इंटू 2 नंबर ऑफ एटम है और दो बॉन्ड के बीच, दो एटम के बीच में एक बॉन्ड है, 6 माइनस 1 इक्वल्स टू 5। उसी तरह ट्राइटोमिक के लिए दो केस लगा रहे हैं, एक तो नॉन लीनियर और एक है लीनियर। नॉन लीनियर के लिए हम जब कैलकुलेट किए तो ये वैल्यू आया 6, जबकि हम यहाँ पे लीनियर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये हमारे लिए केस आया है 7। याद रखना हमें कि अगर ट्राइटोमिक गैस दिया हुआ है और ये मेंशन नहीं है कि लीनियर है या नॉन लीनियर है, तो हमें नॉन लीनियर एज्यूम करके उसको बनाना है। यानी किसी भी गैस के लिए हम अगर बात करें तो ट्रांजिशनल मोशन के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो हमेशा 3 होगा, चाहे वो मोनो हो, डाई हो या ट्राई हो। अब हम यहाँ पे कुछ यूजफुल फॉर्मूला देख रहे हैं, जैसे सी वी इक्वल्स टू 1/2 एफ आर, जहाँ एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, आर कॉन्स्टेंट है, सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर, और यहाँ से हमने सी पी की वैल्यू निकाल लिया है 1/2 डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस 1 इंटू आर। गामा इक्वल टू होता है सी पी बाई सी बी, यहाँ से हमने सी पी की वैल्यू पुट किया, सी बी की वैल्यू पुट किया और इस तरीके से गामा इक्वल टू एफ बाई टू प्लस 1 बाई एफ बाई टू आया। इस फॉर्मूले के यूज से हम लोग गैसियस मॉलिक्यूल्स के सी पी सी बी गामा कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ कैलकुलेट सी पी सी बी डी ओ एफ एंड गामा फॉर द फॉलोइंग। मोनोटोमिक गैस के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, इस चार्ट के थ्रू आप लोग समझ सकते हैं।